जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे ए प्लस स्टडी चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट टू एयरफोर्स, जैसे कि सीरीज चल रही है। सेट वन हम कल कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आज सेकंड सेट को देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि आपको पैसेज को इत्मीनान से आराम से पढ़ना है, तो पहले इत्मीनान से पैसेज को पढ़िए। जरूरी नहीं है पूरा पैसेज को हमें समझना ही है, आप थोड़ा सा उसको हल्का हल्का, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा कम समझने का प्रयास करिए, कम ही समझ में आ जाए उसी के माध्यम से फिर हमें क्वेश्चन देखने होंगे कैसे क्वेश्चन हैं। तो दो तरीके होते हैं, एक तो पहले पैसेज को अच्छे से पढ़िए या फिर पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम पहले क्वेश्चन में थोड़ा फोकस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे लिखा है द इजिप्टियंस यूज टू ग्रो ओवर 500 हर्ब्स टू, जो इजिप्टियंस हैं उन्होंने प्रयोग किया, ठीक है, उपयोग किया जो हर्ब्स वगैरह का, 500 हर्ब्स का, वो किसके लिए किया है तो आपको बताना है। गार्निश द देयर फूड, तो यहाँ पर लिखा है गार्निश, ठीक है। तो गार्निश का मतलब होता है सजाना, ठीक है। मतलब अपने कोई टेबल वगैरह सजाया तो कहते हैं गार्निश द टेबल, टेबल को सुंदर कर देना, अच्छा कर देना। मैं कुछ और वर्ड भी मुझे याद आ रहे हैं तो मैं वो भी लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए इधर, तो एक तो हो गया गार्निश, इसको ध्यान रखिए, नोट करिए अपनी कॉपी में, गार्निश द टेबल, ठीक है, गार्निश द टेबल, टेबल को सजाना, ठीक। एक होता है एम्बेलिश, एम्बेलिश द लैंग्वेज, ठीक, इसे कहते हैं भाषा को सजाना, ठीक बेटा। एक होता है डेकोरेट, ये तो जानते ही हो आप, डेकोरेट ए बिल्डिंग, डेकोरेट बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग को सजाना, ठीक। एक क्या होता है कि सुबह सुबह हम तैयार होते हैं, यूं बाल खींचते हैं, कपड़े पहनते हैं, टनाटन, है ना, तो अपने आप तैयार करना, उसको कहते हैं प्रीन, प्रीन वन सेल्फ, ठीक है, प्रीन वन सेल्फ, अपने आप को तैयार करना। तो एम्बेलिश द लैंग्वेज, भाषा को सजाना, डेकोरेट ए बिल्डिंग, बिल्डिंग को सजाना। हमारे यहाँ फंक्शन होता है, बर्थडे होता है, पार्टी होती है, तो हम क्या करते हैं, डेकोरेट कर देते हैं। प्रीन वन सेल्फ, अपने आप को तैयार करना, अपने आप को रेडी करना, ठीक है। और एक होता है स्प्रूस, स्प्रूस अप एन एरिया, ठीक है बेटा, तो किसी एरिया को सजा देना, अच्छा बना देना, ठीक। एक बात, एक जब आपकी शादी आदि होगी तो आपकी जो कार होगी उसको सजाया जाएगा, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, उसको डेकोरेट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डेकअप, डेकअप, डेकअप द कार, ठीक है, डेक अप द कार, कार को क्या करना, सजा देना, है ना। अच्छा, और एक आपने देखा होगा कि दुकान के बाहर जो है स्टैचू को सजा देते हैं, बढ़िया से अच्छा कपड़े पहनाएंगे या रेडी कर देंगे तो अच्छा लगने लगता है, तो आप कहते हैं फिर हमें यही वाला शर्ट चाहिए, यही वाला पैंट चाहिए, तो वो दुकानदार क्या करता है, उस मैनेक्विन को या उस मॉडल को क्या करता है, एडॉर्न कर देता है, तो उसके लिए आप बोलेंगे एडॉर्न, एडॉर्न ए स्टैचू, ठीक बेटा, तो एडॉर्न ए स्टैचू। तो इतने सारे मैंने वर्ड बताए आपको, एक तो गार्निश, तो गार्निश देयर फूड, ठीक है, उन्होंने अपने वो खाने को सजाते थे उस हर्ब से, ठीक, यही पूछा गया है यहाँ। इजिप्टियन यूज टू ग्रो ओवर 500 हर्ब्स, उन्होंने जो 500 प्रकार की हर्ब्स जो उगाई, हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियों को, जड़ी बूटियां उगाई, ठीक है। तो जैसे अपनी सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें भी कई तरीके की जड़ी बूटियां हम लोग डालते हैं, जैसे कि काली मिर्च, काली मिर्च क्या है, मसाला तो है, वो जड़ी बूटी भी है, उससे बहुत सारी बीमारियां दूर रहती हैं जो हमारे खाने में हमारे पूर्वज शुरू से यूज करते आ रहे हैं। तो गार्निश द देयर फूड, जैसे कहा गार्निश, तो एक बार गार्निश आपको यहाँ से रेडी हुआ, तो इसके संग मैंने और शब्द भी बताए, वो सब आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो गार्निश द टेबल, एम्बेलिश द लैंग्वेज, ठीक है, डेकोरेट ए बिल्डिंग, प्रीन वन सेल्फ, और डेक अप द कार, ठीक है, और स्प्रूस अप एन एरिया, किसी एरिया को क्या कर देना, अच्छा बना देना, मिस्टर साहब आएंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, स्प्रूस हो जाएगा, है ना, अच्छा बना दिया जाएगा उस एरिया को, ठीक है बेटा। चलिए, तो स्प्रूस अप एन एरिया हो गया और एडॉर्न स्टैचू हो गया, स्टैचू को क्या कर देना, एडॉर्न कर देना, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक। अब देखिए स्टैचू से मुझे कुछ चीजें और भी याद आ रही हैं, तो मैं वो आपको बताना चाहूंगा, देख लीजिए यहाँ। जैसे एक तो आप जानते हैं स्टैचू होता है, एक होता है गार्गोयल, तो गार्गोयल या स्टोन स्पाउट, ठीक, ये जो पवित्र पुतले होते हैं, आपने देखा होगा कभी गेस्ट हाउस वगैरह में गए होंगे या फिर कहीं और जब आप जाते हैं, है ना, जैसे मंदिर वगैरह में जाते हैं, तो वहां क्या रहता है, कुछ दो लेडीज खड़ी हुई हैं, यूं कलश लिए और उसमें पानी निकल रहा है, ठीक,
तो बड़ा अच्छा लगता है, मनोरम लगता है, उसको हम लोग कहते हैं गार्गोल या स्टोन स्पाउट, पवित्र पुतले। कैसे होते हैं? पवित्र पुतले, ठीक है। क्या होते हैं? पवित्र पुतले। तो गार्गोल स्टोन स्पाउट हो गए पवित्र पुतले, ठीक है। एक होता है मैनेक्विन, मैनेक्विन। एक होता है डमी, ठीक है, और होता है मॉडल। तो मैनेक्विन डमी है मॉडल, जो दुकानदार अपने बाहर खड़े रखते हैं, ठीक है। दुकानदार देखते हो आप शॉप पे बाहर खड़े रहते हैं, उन्हें मैनेक्विन डमी या मॉडल कहते हैं, उनके लिए ये वर्ड आते हैं। तो आप लोग नोट भी करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। तो मैनेक्विन डमी या मॉडल, ठीक है बेटा। गार्गोल स्टोन स्पॉट पवित्र पुतले मैनेक्विन डमी या मॉडल क्या हो गया? दुकान वाले, ठीक है। चलिए ठीक है। और आप देखते हैं ज्वेलरी शॉप में, कभी गए हैं आप ज्वेलरी शॉप में गए? तो वहां क्या होता है? वहां एक देखा उसका धड़ भी नीचे का ऐसा गायब है, ऊपर से गर्दन गायब है, बीच में इतना सा है केवल, और उस पर ऐसा हार पहने हुए है वो, ठीक है। उसे बस्ट कहते हैं, BUST, बस्ट, ठीक है, बस्ट। वो कहते हैं टायर हमारा बस्ट हो गया, तो बस नहीं भस्ट हो गया, कहते हैं बस्ट हो गया, तो बस नहीं वो बस्ट होता है, BUST, टायर का फटना या गुब्बारे का फटना, ठीक है। और ये बस्ट क्या हो गया, ठीक है, बस्ट मतलब ज्वेलरी शॉप वाला पुतला, उसे कहेंगे बस्ट। क्या बोलते हैं? बस्ट। अच्छा, एक गांव वगैरह में ऐसे खड़ा कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? धोखा है ना। हाँ, धोखा। वो स्केयर क्रो, SCARE, स्केयर क्रो। तो स्केयर क्रो क्या हो गया? खेत वाला पुतला, उसके कहेंगे स्केयर क्रो। क्या बोलेंगे? स्केयर क्रो, ठीक है। तो एक स्केयर क्रो हो गया, ठीक है। चलो, एक होता है आपने देखा होगा कि जो जलाने वाला पुतला होता है, ठीक है, उसे FG कहते हैं, EFFIGY, FG हो गया, जो जलाने वाला पुतला होता है, जैसे कि रावण का पुतला है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का पुतला फूंका जा रहा है, विरोध विरोध में लोग पुतला फूंक रहे हैं, तो उसे लोग क्या बोलते हैं? FG बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये नोट कर लीजिएगा सब, और अगर निकल जाता है तो आप वीडियो को रिमाइंड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे क्लियर हो गए, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके आंसर पढ़ लेंगे, जिससे हमारे दिमाग के अंदर ये आ जाए, फिर हम पैसेज को रीड करेंगे अच्छे से। तो जैसे इफ्टीन यूज टू ग्रो ओवर 500 हर्ब्स टू गार्निश देयर फूड, क्योर इलनेस, ब्यूटी देयर किचन्स, डेकोरेट देयर हाउसेस, ठीक है। तो किसके लिए यूज करते थे हर्ब्स, है ना, जड़ी बूटियों का प्रयोग किसके लिए करते थे? डेकोरेट द हाउसेस, तो ये तो हो गई थी, ये तो पहले क्लियर हो गया। तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे आपको, है ना, वो पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा वहां। तो फिलहाल अभी देखते हैं द थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की थीम क्या है, क्या कहना चाहता है कार्मी ये? तो ये देखेंगे पॉट कल्चर के बारे में, ठीक है, किचन गार्डन के बारे में, या इजिप्टियन एंड, ठीक है, मेडिकल प्लांट्स के बारे में, ये यूज ऑफ हर्ब्स के बारे में, किसके बारे में बता रहा है? तो ये हमें पैसेज में, तो दिमाग में दो बातें चली गई हमारे, एक तो उन्होंने जड़ी बूटियों का प्रयोग किसके लिए किया, और दूसरा, ठीक है, इसके पैसेज का थीम क्या है, तो थीम भी जानना है, ठीक, दो बातें हो गई। तीसरी बात देखिए, द किचन गार्डन हैव बिकम पॉपुलर इन इंडिया इंडियन सिटीज एज, ठीक है, ये पॉपुलर हो चुका है इंडियन सिटीज में, तो किस प्रकार से, तो आपको वो बताना है कि पीपल हैव नो टाइम फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए लोगों के पास समय नहीं है, तो ये मार्केटिंग की बात यहाँ कहाँ से आ गई, ठीक है, खैर वो हम पढ़ेंगे बाद में। देयर इज लैक ऑफ ओपन स्पेस इन हाई राइज, ठीक है, तो हाई राइज में ओपन स्पेस की कमी है। रूफ्स एंड टेरेस आर बेटर प्लेस फॉर गार्डनिंग, गार्डनिंग के लिए छतें और जो टेरेस वगैरह हैं वो ज़्यादा अच्छे स्थान है, ऐसा कुछ है क्या? ये तो तब है जब आपके पास जगह नहीं हो, है ना, जब आपको जगह नहीं तब तो आप छत वगैरह पे अपने गार्डनिंग कर रहे हैं, वो अच्छा लगता है, है? टेरेस वही छज्जा होता है, जो छज्जा वगैरह निकला होता है ना, वो टेरेस, छत जो अटैया सी होती है उसको टेरेस कहते हैं। चलिए, फिर कह रहा है नन ऑफ द एबव, कि ऊपर में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। जो सैप्स हैं ये सैप्स, ठीक है, जैसे जब वो क्या नाम है, संजीव कपूर कौन सा है, हाँ वो सैफ है ना, तो सैफ्स यूज हर्ब्स, जो सैफ्स हैं वो हर्ब्स वगैरह को, पत्तियों वगैरह को यूज़ करते हैं, एक कड़ी पत्त, क्या कड़ी पत्ता क्या कहते हैं, हाँ वो होता है, ठीक है, तो वो भी यूज़ किया जाता है, आप जानते हो जब आप पोहा वगैरह बनाते हो तो उसमें यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो भी एक तरीके से हर्ब्स है, जड़ी बूटियाँ हैं। तो कह रहे किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द किचन, किचन को सुंदर बनाने के लिए। टू क्योर इलनेस, जो सैप्स होते हैं वो इलनेस इलाज करने के लिए यूज़ करेंगे हर्ब्स का। या फिर टू, ठीक है, इन लिविंग सीजनल फ्लावर्स, या फिर मेक फूड टेस्टियर, ठीक है, तो आपको ये देखना है, ठीक है बेटा। अच्छा, देख, तो ये पैसेज हमारा, पैसेज में चार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये चारों क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप क्या करना पड़ेगा, पैसेज पढ़ना पड़ेगा। देखो कितना तरीके दोनों अच्छे हैं, एक तो पैसेज जल्दी पढ़िए फिर क्वेश्चन करिए, या फिर पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो माइंड में एक चला जाएगा, भाई हमें क्वेश्चन हो गया, अब हम इसको पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो देखो देखते हैं, किचन गार्डन टूडे इज ड्रिवन बाय द बोथ एस्थेटिक एंड नेसेसिटी,
तो जैसे देखा एस्थेटिक, तो जो एस्थेटिक वर्ड है, एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्य, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। अपने घर में गार्डनिंग हम लोग किस लिए करते हैं? सुंदरता बढ़ाने के लिए। और एक नेसेसिटी भी है, ठीक है ना, हमारी आप नेसेसिटी को भी पूरा करता है, ठीक है, कुछ हमें हर्ब्स वगैरह चाहिए उसके लिए। तो वो बोला ए ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आर कंबाइंड विद द हर्ब्स, एक ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स हैं जो सब्जियां हैं वो कंबाइंड मतलब मिलकर बनी हुई हैं किससे, हर्ब्स के साथ में, बहुत सारी चीजें उनमें हर्ब्स भी होगी। उसके बाद एनुअल एंड पेरेनियल फ्लावर्स, पेरेनियल देखिए यहां से एक वर्ड में वोकैब्स का आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा वर्ड मिल रहा है पेरेनियल। पेरेनियल प्रॉब्लम्स होती हैं, पेरेनियल रिवर्स होती हैं, पेरेनियल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये पेरेनियल्स का मतलब जो वर्ष भर बना रहे, जो वर्ष भर नदी बहती रहती हैं, जो उत्तर भारत की नदियां होती हैं, ठीक है, वो कैसी हैं, सतत वाहिनी हैं, वो वर्ष भर बहती हैं, जैसे गंगा वर्ष भर बहेगी, लेकिन दक्षिण भारत की नदियां वो सूख जाती हैं, क्यों, क्योंकि उत्तर भारत नदियों का जो निकलने का पानी आने का जो स्रोत है वो ग्लेशियर भी है, वर्षा के साथ ग्लेशियर भी है। तो ऐसे वो क्या, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। तो पेरेनियल फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जो वर्ष भर आते रहते हैं, ठीक है। एंड फ्रूट्स ट्री इन क्रिएटिव वेज, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द किचन गार्डन डेट्स बैक टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स, ये अभी की बात नहीं है, हजारों साल पहले की बात है, ठीक है। कितनी पुरानी है, 2700 BC की बात हो रही है। Egyptian had a recorded history of the growing over 500 herbs. 500 प्रकार की herbs को उगाकर, ठीक, उन्होंने history create की थी Egyptians से, which were used as drugs to cure illness. वो एक दवा के रूप में प्रयोग करते थे इनका, ठीक है, जिससे कि उपचार किया जा सके, क्योर किया जा सके, किसका, illness का, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। इन टुडेज इंडिया हर्बल, इंडिया का जो हर्बल है उसमें चाहे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की बात करें हम, एरोमेटिक कहते हैं खुशबू को, जो खुशबूदार प्लांट्स होते हैं उनको एरोमेटिक कहते हैं, ठीक है। एरोमा होती है खाने की खुशबू, उसे कहते हैं एरोमा, क्या बोलते हैं, एरोमा, ठीक है। तो ये वर्ड लिख लीजिए, एरोमा होती है खाने की खुशबू, जैसे कहीं बासमती चावल अगर राइस कहीं बन रहा है तो आपको खुशबू आ जाएगी, मजा आ जाएगा, हा हा हा, ठीक है। तो एरोमा क्या होती है, खाने की खुशबू। तो प्लांट्स आर द न्यू एंट्रेंट्स इन इंडियन गार्डन्स, ठीक है, तो आजकल इंट्रेंड्स हो रहे हैं इंडियन गार्डन्स में। एज इन सिटीज पीपल मोस्टली रेजिडेंट इन हाई राइज अपार्टमेंट्स, कहाँ रेजिडेंस बन रहा है उनका, आजकल लोग देख रहे हो अपार्टमेंट्स, ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तब उनके पास गार्डनिंग की व्यवस्था कहाँ रह गई, तो वो क्या करेंगे, उनका जो टेरेस वगैरह होगा वहीं पर देखा होगा गमले वगैरह टांग देंगे, है ना, बहुत सारे फ्लावर्स लगा देंगे, तो उन्हें एक तो पॉजिटिव फीलिंग आती है उनके मन में उसको लगाकर, कि पॉजिटिव वेज आता है, एक एनर्जी आती है ना, और वहाँ का वातावरण भी शुद्ध रहता है। कई पौधे ऐसे भी होते हैं जो कमरे में घर के अंदर रखने से वहाँ ऑक्सीजन का लेवल सही बनाए रखते हैं, तो ये सारी बातें। फिर कह रहा है किचन गार्डन इन रूफ्स ऑफ टेरेस आर कमिंग अप वेयर पॉट कल्चर इज द करंट ट्रेंड, ठीक है, तो जहाँ पॉट कल्चर अभी करंट ट्रेंड में है वहाँ टेरेस आर कमिंग अप, वहाँ टेरेस में जो सब चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद कह रहा है टुडेज हर्ब्स आर एप्रिसिएटेड फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर यूज इन हेल्थ केयर, ठीक है बेटा, तो ये ब्यूटी और हेल्थ केयर में भी यूज हो रहा है, इसकी तारीफ हो रही है, अप्रिसिएटेड किया जा रहा है इसको। सेफ्स यूज हर्ब्स टू लिव इन देयर डिशेस, अपने डिशेस को लिव इन करने के लिए, अपने डिशेस को अच्छा बनाने के लिए, जिंदा करने के, उसमें जान देने के लिए कुछ हर्ब्स वगैरह उसके ऊपर लगा देते हैं तो और अच्छा लगने लगता है लोगों को। So herbs in Indian kitchen garden is coexisting with annual and perennial flowers. ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए तो देखिए काफ़ी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, आप और आप आराम से अब आंसर दे पाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए भाई देते हैं आंसर। तो देखिए द इजिप्टियन यूज द ग्रो ओवर 500 herbs टू, ठीक है, आप चारों क्वेश्चन को आराम से पढ़िए ऑप्शंस को और फिर उसके बाद आंसर लगाइए, क्लियर हो गया होगा। तो कौन सा सही समझ में आ रहा है, इजिप्टियन 500 प्रकार की जो हर्ब्स थी वो किस लिए यूज की उन्होंने, क्योर इलनेस, बिल्कुल करेक्ट जवाब, ऑप्शन हो गया बी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है आपके मतलब का वीडियो है तो उसे लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करें भाई, है ना, तो शेयर भी करें जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा आगे वीडियो लेके आऊँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको और बेहतर कुछ क्लास भी दूँ, ये तो प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं हमारे, फिर हम क्लास भी चालू करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी आपको क्लास के भी कुछ वीडियो डालता रहूंगा साथ साथ में। इसलिए मैंने कहा था कि अभी आज से आपके 91 डेज बाकी हैं बेटा, ठीक है, किसी के चक्कर मत पड़ो कि नहीं वो फलाना दोस्त अभी तैयारी नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, आदमियों को अकेले चलना होता है, जो जिंदगी से लड़े होते हैं वही पैरों पर खड़े होते हैं, मिट जाते हैं सारों पर जीने वाले, जंगल के पेड़ अपने आप बड़े होते हैं, है ना, तो आपको खुद अकेले ही काम करना है, और बस ये 91 दिन भूल जाओ सब कुछ,
91 डेज अपनी जान लगा देनी है पूरी, पेपर निकालना है तो मतलब निकालना है, किसी चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। अपना पूरा फोकस अभी केवल 91 दिन अपने दीजिए, आज 91 कल 90 दिन हो जाएंगे, तो काउंट डाउन चालू हो चुका है। अब वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे क्या कर रहे हैं। तो बहुत ही क्रूशल समय है ये, एक एक पल पूरी ताकत झोंक दो इसमें, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। ओके बेटा, चलिए यहाँ तो मैं करा ही रहा हूँ आपको, और जो बच्चे आ सकते हैं पास के कहीं गए, ऑफलाइन बैचेस भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, तो ऑफलाइन इंक्वायरी भी आप लेके आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से, किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये 40-45 सेट की सीरीज है, मैं पूरी कराऊंगा आपको, आप निश्चिंत रहिए, और बीच बीच में पढ़ाऊंगा भी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, लगा थीम ऑफ द पैसेज तो क्लियर हो गया होगा, थीम ऑफ द पैसेज की थीम क्या है, तो किचन गार्डन, ठीक है, ये पैसेज की थीम है, ठीक। ओके, थीम क्या होता है, थीम का मतलब जो पैसेज है किस पे बेस्ड है, किस पे जोर दे रहा है, तो पैसेज दे रहा है किचन गार्डन के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या मेरिट, क्या डिमेरिट्स हैं, सारी बातें बता रहा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, किचन गार्डन हैव बिकम पॉपुलर इन इंडियन सिटीज एज, इसका आंसर देखिए दीजिए, देखिए क्या आंसर होगा, पीपल हैव नो टाइम फॉर मार्केटिंग, ये मार्केटिंग की तो कोई बात ही नहीं हो रही, देयर इज लैक ऑफ ओपन स्पेस इन हाई राइज, हाई राइज में ओपन स्पेस की कमी है, ठीक है, कहाँ कमी है, ऊपर भी तो कर रहे हैं लोग बाग, अभी पढ़े थे ना पीछे, ऊपर भी तो कर रहे हैं, वहां भी तो जब अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं वहां अपने आसपास टेरेस वगैरह में काम चला रहे हैं। यहाँ लिखा है रूफ्स टेरेस आर बेटर प्लेस फॉर गार्डनिंग, बेटर प्लेस तो नहीं है, ये तो बात गलत है, छत आपकी ज्यादा बेटर प्लेस है कि जमीन ज्यादा बेटर प्लेस है ना, अगर गार्डनिंग होगी आपके पास तो वहां कोई मजबूरी है कि भाई अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं लोग, वहां जगह नहीं है नीचे घर बनाने के लिए, तो क्या करें, ऊपर बना रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही है। चलिए तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ठीक ठीक है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, मजा आ रहा है, आ जा रहा है तो भैया लाइक कर दो फटाफट, ठीक। चलो फिर लिखा है सेफ्स यूज हर्ब्स, जो सेफ हैं वो हर्ब्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, पहला ऑप्शन फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द किचन, किचन को ब्यूटिफिकेशन के लिए हर्ब्स यूज कर रहे हैं वो, नहीं, टू क्योर इलनेस, अब सेफ है तो वो इलनेस करके क्या करेगा, वो तो डॉक्टर का काम है इलनेस करना, ठीक है, सेफ थोड़ी इलनेस करेगा। अगला लिखा है टू एनलिवेन सीजनल फ्लावर्स, ठीक है, ये भी नहीं है, मेक फूड टेस्टियर, बस सेफ का पास एक ही काम है कि मतलब फूड को क्या करना, टेस्टियर बनाना, ठीक है भाई, तो आंसर यही हो जाएगा और कोई आंसर हो नहीं सकता, ठीक बेटा, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए, ठीक ओके। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं भाई फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल डिटर्मिनर्स, आपको डिटर्मिनर्स भरने हैं, ठीक है, सुइटेबल डिटर्मिनर्स भरना है। ओके बेटा, ये डिटर्मिनर्स सोचो कहाँ हैं, जो बताओ पहले, डिटर्मिनर्स का मतलब है कि जो एडजेक्टिव के भाई बंधु हैं, भैया डिटर्मिनर्स, ठीक है, कभी ना कभी एडजेक्टिव में रहे होंगे, बाद में एडजेक्टिव में लात मार के भगा दिया गया तो डिटर्मिनर बन गए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर डैश 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 ऑफ द डेज व्हेन वी वर इन न्यू ऑरलींस, बट फॉर्चुनेटली देयर वाज नॉट डैमेज इन द सिटी। तो अब देखिए पहले यहां लिखा है ऑफ, क्या लिखा है, ऑफ, ठीक है, फॉर ऑफ, तो अब देखिए यहां पर लिखा है इफ यू, अब इफ यू तो आप जानते हो कि इफ यू कोई ना कोई नाउन को फॉलो करेगा, कोई नाउन होना चाहिए, अ फ्यू स्टूडेंट्स तो फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है, मैंने बताया था आपको कल शायद, और लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, आप ये बात भी ध्यान रखिए, ठीक है बेटा। देखो यहाँ, जैसे मैंने कहा फ्यू तो तीन होते हैं, एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू, ठीक है भाई, ठीक समझ में आ रहा है। तो फ्यू का मतलब कुछ नहीं, नथिंग, लेकिन कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि जीरो, कुछ ना कुछ तो है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक बाइक लेने के लिए गए, ठीक है, और बाइक की कीमत है 2 लाख रुपए और जेब में तुम्हारे 20 रुपए पड़े हैं, ठीक, तो अब वो 2 लाख की तुलना में अगर देखें, कंपेयर में देखें तो 20 रुपए कुछ नहीं है, तो साफ साफ यही कहोगे दुकानदार, भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल आऊँगा फिर देखूँगा आके, ठीक है, कि ये कहोगे नहीं भैया मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो कहेगा कुछ है तो जमा कर दो, समझ में आ रहा है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, यानी वो फ्यू का मतलब है डायरेक्ट आप उससे कह देंगे कुछ नहीं, लेकिन है तो कुछ ना कुछ, ये तो पक्की बात है। फिर क्या आगा, अफ्यू, अफ्यू का मतलब थोड़ा सा, और द फ्यू का मतलब जितना भी है सारा, उसे कहते हैं द फ्यू, ठीक है बेटा। तो इसका एक होता है, इसी प्रकार से एक होता है लिटिल, एक होता है ए लिटिल, और एक होता है द लिटिल, ठीक, एक हो गया लिटिल, एक हो गया अ लिटिल, एक हो गया द लिटिल, ठीक है बेटा।
तो लिटिल जो होता है वो, अब अंतर क्या है, वो सेम कंडीशन, लिटिल का मतलब कुछ नहीं, अलिटिल का मतलब थोड़ा सा, द लिटिल का मतलब जितना भी है सारा। अब दोनों में अंतर क्या है फिर, फ्यू और लिटिल में क्या अंतर है? ये जो होते हैं बेटा वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है और फ्यू का प्रयोग जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है भाई, जो फ्यू है वो काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। ठीक, जैसे मैं कहूं आई हैव अ फ्यू पेन्स, तो पेन कैसा है, तो आप बताएंगे भैया काउंटेबल है, कैसा है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल नाउन के लिए आ गया। ठीक है, या तुमने कह दिया आई हैव अ लिटिल नॉलेज, आई हैव अ लिटिल नॉलेज, तो नॉलेज कैसा नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ गया, लिटिल आ गया। ठीक, अब इनका भी यूज होता है कि ए लिटिल कहां लगाएं, द लिटिल कहां लगाएं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देखना पड़ेगा, आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग जैसी जानकारी होगी उस हिसाब से हम अ लिटिल और लिटिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा, रवि कुड नॉट राइट could not write a letter because there was a little ink in his pen। ठीक है, दिखाई दिया, तो रवि कुड नॉट राइट ए लेटर बिकॉज देयर वाज अ लिटिल इंक इन हिज पेन। ठीक है, क्योंकि यहां सेंटेंस क्या लिखा, रवि पत्र नहीं लिख सका, क्यों लिख सका, क्योंकि उसके पेन में क्या नहीं थी, इंक नहीं थी, थोड़ी सी इंक नहीं थी। तो गलती समझ में आ गई होगी हमारे यहां कि यहां ए नहीं आएगा, तो जरूरी नहीं कि वहां अनकाउंटेबल और काउंटेबल की रहा है, ऐसा नहीं कि लिटिल के साथ यहाँ पर हो सकता है आपको ये देखने लगे कि अनकाउंटेबल लगाया है, अनकाउंटेबल इंक अनकाउंटेबल है, लिटिल सही लगा हुआ है, आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं, तो आपको देखना भी है, तो यहाँ ए नहीं आएगा क्योंकि इंक नहीं थी, साफ साफ ये बोलना है, इंक नहीं थी इसलिए वो नहीं लिख सका। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, केवल मैं आपको आंसर बताने नहीं आया हूं कि इसका ए लगा दो, इसका बी लगा दो, इसका सी लगा दो, थोड़ा सा चर्चा भी करनी है और आपको इसके साथ में सीखना है, करते करते सीखना है। ठीक है बेटा, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको समग्र बता दूं, क्योंकि एबीसीडी तो आपके, आप जो सेट पेपर ले लेंगे उसमें भी लगा होगा, एबीसीडी वहां लगा लेना, तो एबीसीडी नहीं चल रहा है यहाँ, कुछ सीखने के लिए आप आए हैं। ठीक है, चलो, तो अब देखिए, तो फ्यू होगा नहीं, क्लियर हो गया, क्योंकि इसके लिए नाउन चाहिए, नाउन वहां है नहीं, ऑफ लगा है। फिर सेवरल, यही कंडीशन सेवरल की है, सेवरल में भी कुछ ना कुछ नाउन चाहिए, सेवरल क्या, सेवरल तो कोई नाउन चाहिए, ऑल के बाद ऑफ आता नहीं है, वो भी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है, ओके बेटा, तो यहां पर आप क्या करेंगे, ऑल के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए, ऑल क्या, ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल टीचर्स, ठीक, या फिर ऑल ऑफ देम, इस तरीके से बोलें। ठीक है भाई, तो ऑल ऑफ डेज की बात हो नहीं सकती, तो मोस्ट ऑफ द डेज, अधिकांश दिनों की बात हो रही है। ठीक है, तो बात क्लियर, बस एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास, तो ये आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया, आगे बढ़े, ओके। आई नीड शुगर फॉर माई टी, तो देखो जो फिलिंदा ब्लैंक्स होते हैं, फिलर्स बहुत दिक्कत दे रहे हैं आपको, मैं एक काम करता हूँ, कल एक फिलर्स का लेके आता हूँ। ठीक है, कल एक फिलर्स की सीरीज चालू करते हैं और उसमें कराते हैं, उसमें करा करा के आपको मैं सिखा डालूंगा। ठीक, प्रैक्टिस सेट लगाते लगाते हम लोग सीख जाएंगे बहुत सारी चीज़ें, तो जितनी बातें आएंगी बीच बीच में, जो भी ग्रामर की बात आएगी, वोकैब की बात आएगी, वो मैं कराता चलूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए और मेहनत करते रहिए। बस इस बार कुछ भी हो जाए एग्जामिनेशन में, ये शब्द नहीं आना चाहिए कि भैया हम इंग्लिश में रह गए, इंग्लिश में नंबर कम रह गए, तो एयरफोर्स के लिए 100% आप तैयार हो जाइए। मेरा मिशन जो है वो पास कराने का नहीं है, पास तो मार्च दिन में करा देते हैं लोगों को, पास वाला काम नहीं है यहाँ, आपको लेके आना है 20 और ये 20, अगर ये नंबर लेके आए तो आप आगे भी काम आएगा आपको, जैसे मान लो और सब्जेक्टों में आपके नंबर कम रह गए, तो जो मेरिट से लड़के बाहर होते हैं तो कम से कम वहाँ ये कंडीशन ये आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बेटा, तो 20 और 20 लेके आना है, ये मिशन बनाना है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आई नीड शुगर फॉर माई टी, अब शुगर यहां पर आया शुगर, ठीक है भैया, और यहां डिटरमिनेंट बनना है, वन फ्यू एनी सम, ओके। तो अब यहां देखो लिखा है वन, तो वन का मतलब ही काउंटेबल हो गया, वन क्या, वन डे,
ठीक है, 1 रुपी, तो कुछ ना कुछ काउंटेबल होना चाहिए। लेकिन सुगर तो काउंटेबल होता नहीं, बन सुगर तो होगा नहीं। फिर लिखा है फ्यू, अभी भी पढ़ा मैंने आपको, फ्यू किसके लिए आता है, काउंटेबल नाउन के लिए आता है, पढ़ाया भी अभी, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर एनी, हाँ एनी आ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, एनी जो आता है वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है, तो या नेगेटिव तो है नहीं ये नीड, ठीक। तो बस एक ऑप्शन बच गया, तो ये, तो ऐसे एलिमिनेट करके भी आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन एलिमिनेट कब कर पाएंगे, जब थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा या थोड़ी सी जानकारी होगी। तो मेरे साथ आप ऐसे रोज जब करेंगे, करते करते बहुत सारे बार बार रिपीट होंगे, वही चीजें बार बार आएंगी, ठीक है ना बेटा। तो कुछ भी कठिन नहीं है, बस करने की देर है। अब आपने की नहीं तो कठिन तो हो गई होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपके समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, उसको भी ध्यान देना है, ठीक है। अब बेटा सीखना है, पढ़ना है, तो वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गई होगा, है ना। ए बी सी डी चल रही है, मैंने पहले कहा है कि हमें ए बी सी डी बता दें, इसका ए, इसका बी, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो देखो लिखा आई गो आउट आज हरसन, ठीक, आई गो आउट, तो यहां पर देखिए क्या परमिशन की बात कर रहा है, मे आई गो आउट पूछ रहा है वो, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, ठीक है। तो आंसर मे आई, तो आप जानते हो मे परमिशन के लिए आता है, मे किसके लिए आता है, परमिशन के लिए आता है। कैन का प्रयोग हम शक्ति या सामर्थ्य दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है बेटा। और मस्ट जो होता है वो अवश्य जरूरी के लिए होता है, ठीक। तो ये सब आपको पता ही है, नहीं पता तो आप समझ लीजिए, मे का प्रयोग परमिशन के लिए, कैन का प्रयोग शक्ति या सामर्थ्य दिखाने के लिए, और मस्ट का प्रयोग अवश्य जरूरी के लिए। यू मस्ट गो, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। यू कैन डू दिस, तुम यह कर सकते हो, ठीक है। और मे हो गया परमिशन के लिए, मे आई कम इन सर, ओके चलो। और शुड चाहिए के अर्थ में होता है सामान्य अर्थों में, सी एडवाइज दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए बेटा। सी एडवाइज दैट आई डैश 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 करटेल एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर क्यों, करटेल करने की बात हो रही, करटेल का मतलब होता है छांटना, काटना, कम करना, तो उसने एडवाइज दिए, ठीक है। यहां लगा दैट, दैट एक कंजंक्शन है, दैट क्या है, एक कंजंक्शन है। तो जब दैट कंजंक्शन है तो हमने देखा कि आगे लगा हुआ है एडवाइज्ड, ठीक है, पास्ट टेंस, ओके। तो जो पहला क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है, तो आगे वाला भी पास्ट में होगा, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो, ये कहीं ना कहीं एरर में भी आ जाएगी आपके, कि पास्ट फॉलोड बाई पास्ट, पास्ट पास्ट को फॉलो करता है, ठीक। तो यहां से एडवाइज लिखा हुआ है, एडवाइज्ड, तो हमने देखा सेल तो तुरंत काट दिया, ये तो हो गई नहीं, ठीक, बात समझ में आ रहा है। अब हमने देखा ऑट टू लिखा है, तो ऑट टू का प्रयोग बेटा ध्यान रखिए, ये भी आज्ञा परामर्श के लिए आता है ऑट टू, तो ऑट टू ऐसा कुछ तो है नहीं, ये तो एडवाइस दी जा रही है कि आप ऐसा करें, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो यहां आज्ञा परामर्श की बात नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। शुड हैव लिखा है, तो हैव लिखा है तो हमें वर्ब चाहिए थर्ड, तो वो तो यहां कहीं है ही नहीं, तो ये नहीं हो गया। अब बचा एक ऑप्शन, मानते ही मानते हो, तो इलेमिनेट करने से चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर बच गया शुड, क्या लगा देंगे शुड, पेपर में भले ही आपको क्वेश्चन आता हो लेकिन उसको इलेमिनेट जरूर करिए, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग, कहां पहुंचे, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब को आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है बेटा, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन दे दिया यहां, द डायरेक्टर मेड द ऑफिसर्स, ठीक है, लॉन्गर देन यूजुअल, ओके। तो लॉन्गर देन यूजुअल वेट करने के लिए बोला गया है, ठीक है, ऑफिसर से वेट करने को कहा है उसने। तो अब यहां देखिए टू वेट, तो आपको ये पता होना चाहिए लेट मेक सी जो होती हैं ये बेयर इन्फिनिटिव लेती हैं अपने साथ, कह लेती हैं बेयर इन्फिनिटिव। जब आगे बढ़ के वर्ब पढ़ाई हम आपको, अगर मौका लगा तो वहां बताएंगे कि इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव क्या होते हैं। अभी इतना समझ लीजिए, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है बेटा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट इन्फिनेटिव कहलाती है ना। और बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब एक वर्ब दी गई हो और दूसरी वर्ब जब सेंटेंस में आती है बिना टू के, उसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। तो लेट मेक सी डियर सी हियर नोटिस वॉट फील, ये कुछ वर्ब है हम आपको लिखाएंगे अंदर, तो आप कर लीजिए, आप भी होशियार हो जाएंगे, आप भी जान जाएंगे। तो यहाँ मेड दिया हुआ है बेटा, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे लेवल का एरर माना जाएगा क्योंकि जनरली बच्चे इसको ध्यान नहीं देते, है ना। तो बेयर इन्फिनिटिव कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है भैया, दिस इज द आंसर, ओके आगे बढ़े। चल भाई, नाइदर ऑफ द मैन हेयर येट, अभी अभी की बात कर रहा है, ठीक है बेटा, तो अभी की बात कर रहा, प्रेजेंट की बात हो गई, तो ये कट है ना, बचे दो। अब यहां देखिए नाइदर ऑफ द मैन, ये ऑफ बेटा क्या है, प्रपोजिशन। अब मैं यहां आपका ध्यान देना चाहूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, ध्यान दीजिए बहुत, है ना, कैसे,
देखिए यहां लिखा है नाइदर, क्या लिखा है नाइदर, ठीक। एक मैं आपको केस बताने जा रहा हूं कि नाउन प्रपोजिशन, नाउन या प्रोनाउन जब किसी प्रपोजिशन से जुड़े हों, ठीक है, ये केस लिखाओ नाउन प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन प्रोनाउन, ठीक है, ये कंडीशन जब भी दी जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान समझिएगा बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, ये प्रपोजिशन है। अब इससे कितने भी प्रपोजिशन करके जोड़ दिया जाए ऐसे करके, ठीक है बेटा, जैसे नाउन फिर प्रपोजिशन फिर नाउन फिर प्रपोजिशन फिर नाउन फिर प्रपोजिशन, ठीक है, और फिर नाउन, ऐसे कितने भी नाउन प्रपोजिशन को जोड़ दिए जाए। तो बस एक बात ध्यान रखिए, जैसे कि एक वर्ब जो होती है मेन वर्ब, वो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेती है, उसी प्रकार से प्रपोजिशन भी अपना एक ऑब्जेक्ट लेती है। तो ये प्रपोजिशन के बाद वाला नाउन क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, ये प्रपोजिशन के बाद वाला क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, ये प्रपोजिशन के बाद वाला क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, ये बच गया केवल, ठीक है। तो अगर हमें वर्ब लगानी है, अगर हमें वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो क्या इस नाउन के अकॉर्डिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि वर्ब का यूज केवल और केवल सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, बचपन से सिखाया गया, जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसी हमारी वर्ब, ये बचपन से हमें सिखाया गया है कि जैसा भैया हमारा सब्जेक्ट होगा भैया वैसे ही हमारी वर्ब होगी, तो ये बचपन से सिखाया गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आपने सुन रखा है कि प्रपोजिशन के बाद अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ये प्रपोजिशन के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसी हमारी वर्ब, तो ये प्रपोजिशन के जो ऑब्जेक्ट हो गया इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी नहीं, तो हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी, फर्स्ट वाले, क्योंकि यही सब्जेक्ट बचेगा, बाकी सब तो ऑब्जेक्ट हो गए। तो यहां से लेकर आए इसको देखा, तो अब कैसी वर्ब आएगी बताओ, सिंगुलर या प्लुरल, ध्यान दो, सिंगुलर नहीं आएगी, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब आएगी, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब आएगी सिंगुलर, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल होगा तो वर्ब आएगी प्लुरल। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा चर्चा हम लोग सिंटेक्स वाले में कर लेंगे, ठीक है। तो अब कभी भी याद रखिए, ईच ऑफ लिखा हो, ईच ऑफ या आइदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ, ठीक है बेटा, या फिर वन ऑफ, ठीक, इस तरीके से लिखा हो, ठीक है, ईच ऑफ आइदर ऑफ नीदर ऑफ वन ऑफ लिखा हो, तो इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ये तो बेकार हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा बेचारा, क्योंकि ये क्या है प्रपोजिशन, ये क्या है प्रपोजिशन, ये क्या है प्रपोजिशन, ये क्या है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के जो बाद आता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो इसका काम तो तमाम हो गया बेचारे का, ठीक है। तो जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, इनके अकॉर्डिंग आएगी, तो ईच भी सिंगुलर, आइदर भी सिंगुलर, नाइदर भी सिंगुलर, वन भी सिंगुलर, ठीक है बेटा, तो ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनके लिए भी उपाय है, उपाय क्या है कि वो गाना याद कर लें कि ईच ऑफ आदर ऑफ नाइदर ऑफ वन ऑफ नन ऑफ के बाद नाउन आता है प्लुरल, वर्ब आती है सिंगुलर, ये गाना याद कर लो भाई, ठीक है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो। और समझने वाली बात यह है कि नाइदर ऑफ मैन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक की तो बात हो नहीं रही, नाइदर में या तो ये या तो ये, ना तो ये ना तो ये, आदर में या तो ये नाइदर में ना तो ये ना तो ये, ठीक है, तो नाइदर ना तो ये ना तो ये, तो इसका मतलब ज्यादा लोग हैं। जैसे बन बोले, बन ऑफ द, अगर हम बॉय बोल रहे हैं तो बॉय तो बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि कई लड़कों में से एक निकालना है हमें, तो कई लड़के करने पड़ेंगे पहले, अब कईयों में से एक, अब ये तो ऑफ हो गया, ये तो इसका काम तमाम हो गया, तो ये वन बचा, वन के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो केस क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ मैंने ये सही लिखा हुआ है, अब हमें वर्ब सिंगुलर चाहिए तो सिंगुलर वर्ब ये रही, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर अगला, बिसाइड्स बीइंग पुअर सी वाज़ सो इलिटरेट। अब देखिए यहाँ लिखा है इलिटरेट, क्या लिखा है, लिटरेट दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए लिटरेट मतलब अनपढ़ होता है, उनका छाप उसे कहते हैं लिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। बिसाइड बीइंग पुअर, पुअर होने के अतिरिक्त, ठीक है, तो बिसाइड माने, बिसाइड्स माने अतिरिक्त होता है, अगर इसकी एस को तुम गायब कर दोगे तो हो जाएगा बगल में, ठीक है, ओके, और एस लगा दोगे तो एस मन मीनिंग ज्यादा हो गई, तो ऐसे याद करो, ठीक, कुछ ना कुछ ट्रिक बना के दिमाग में रखा करो, तुम्हें भूल जाओगे सब। तो लिखा है बिसाइड, तो बिसाइड माने बगल में, बिसाइड मी मेरे पास, ठीक है, मेरे बगल में, और बिसाइड्स माने अतिरिक्त। अब देखो इसमें एस लगा के मीनिंग अतिरिक्त हो गई, तो इसको अतिरिक्त कर लेंगे। ये बेटा होमोफोन्स कहते हैं, इनका भी एक चैप्टर में लेके आऊंगा आपके लिए बहुत जल्दी, इन्हें होमोफोन्स कहते हैं। जैसे होमोफोन्स में आप और भी जानते हैं, जैसे कि मैंने मैं लिख दिया यहाँ पर ए डी ओ पी टी, ए डी ए पी टी, एक लिख दिया मैंने ए डी ई पी टी, ठीक है, ये तीन लिख दिए, एक जैसे लिखे हैं
है ना, सामान लिखें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें अंतर क्या है, जो अंतर है उसे अपनी ताकत बना लो। कैसे? ये तो सभी को याद है, एक तो याद करना ही पड़ेगा। एडॉप्ट माने क्या हो गया, गोद लेना या ग्रहण करना, ठीक है। और फ्रीजिया क्या है, ADAPT। जैसे एडॉप्ट माने क्या हो गया, गोद लेना, ठीक है। जैसे एक होता है टर्न ओवर ए न्यू लीफ, एक ईडीएम होता है, ठीक। उसका मतलब क्या है, चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस। पुरानी आदतों को छोड़कर हम लोग भी अपनी आदतों को क्या करते हैं, नई आदतों को ग्रहण करते हैं। पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, नई चीजें ग्रहण करने लगते हैं, ठीक है। तो यहां दिया है अडॉप्ट, एक यहां दिया है अडेप्ट, एक दिया है अडेप्ट, ओके। तो ए से हो गया एडजस्ट, ए से क्या हो गया बेटा, एक से एडजस्ट हो गया। और यहां ई से निकालोगे एक्सपर्ट, समझ आ रहा है। ई से क्या हो गया एक्सपर्ट, ए से क्या हो गया एडजस्ट, ठीक है। अब तुम्हें जिंदगी में कभी भूलने वाला नहीं है, हमेशा तुम्हें याद रहेगा आराम से। पेपर में कन्फ्यूजन गया बाहर में 100% ठोंक के चले जाओगे। देखो पेपर में बाहर कहाँ होता है इंसान, कठिन प्रश्न से कोई बाहर नहीं होता। हमेशा जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जो सब लोग कर रहे हैं वो हम गलत कर रहे हैं, तो वहां बाहर होता है। आप यकीन मानिए, अगर आप मेरे से, मैं दावा करता हूं, अगर मेरे मैं आपको लगातार 4 महीने पढ़ा दूं, 4 महीने पढ़ने के बाद अगर आप पेपर दे रहे हैं इंग्लिश का, ठीक है ना, और आपको पेपर कठिन लग रहा है, तो यकीन मानिए सबको लग रहा है। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अगर जब मैंने पढ़ाया वो नहीं आया तो इसका मतलब फिर किसी को नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था, मैं एसबी पीओ का बैच पढ़ा रहा था, उस बैच में 40 नंबर का टोटल था उनका इंग्लिश का। तो मैंने मना किया था, मैंने कहा उसकी मेरिट जाती थी 10 नंबर। तो मैंने उनसे कहा बेटा कैसा करना, कम से कम यूज करना, ज्यादा मत करना, 1/3 की माइनस मार्किंग थी, तो मैंने कहा कम करना। तो कुछ बच्चों ने बात मानी, कुछ ने नहीं मानी, पेपर इतना भयानक आ गया, बहुत कठिन आ गया पेपर, हवाइयां उड़ गई लोगों की, ठीक है। तो कुछ बच्चे 5-6 क्वेश्चन करके चले आए, लेकिन कुछ लोगों ने बात नहीं मानी, कुछ लोग हल्के में ले गए मेरी बात को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, ठीक है, ले लियो हल्के में। तो वो 1/3 की माइनस मार्किंग थी, ज्यादा क्वेश्चन कराए, वो बाहर हो गए सब। उसकी यकीन मानोगे आप मेरिट कितनी गई थी पता है आप, नई जानकारी शायद 2.5, केवल 2.5 नंबर मेरिट गई थी इंग्लिश की, सेक्शनल कट ऑफ जो था वो 2.5 नंबर था, वो भी लेके नहीं आ पाए लोग। तो सभी के लिए कठिन होता, सभी के लिए कठिन होता है। तो आप परेशान रुको मत होइएगा, ठीक है ना बेटा। अगर मैंने पढ़ाया है और आप पेपर नहीं कर पा रहे मेरे पढ़ने, मुझसे पढ़ने के बावजूद, ठीक है, आपने मेहनत की है भाई, मेरे से पढ़ने वाली बात नहीं है, बात है आपकी मेहनत की, आपने मेहनत की है। मुझे कुछ नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, अगर ये पता पड़ जाए तो हम तो पहले सेटिंग कर लें आपसे, कभी 2 लाख रुपए दे दो, हम कहा 100-200-500 में जो खोपड़ी चट के फिर, तुम्हें परेशान होना पड़ा, पढ़ाई खाई सब बंद करो, तुम्हें पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन हाँ हम मेहनत करा ले जाते हैं, ठीक है। चलो चलो बेटा आगे देखते हैं। तो बिसाइड बीइंग पुअर, पुअर होने के अतिरिक्त क्या है, सी वाज सो लिटरेट, वो अनपढ़ भी थी, पुअर तो थी। तो आपको ऐसा सेंस वाला, सेम अर्थ वाला एक सेंटेंस ढूंढना है इसमें। तो सी वाज नॉट ओनली पुअर बट, तो देखो बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंजंक्शन है नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं, तुरंत काट दो खटाक से, ठीक है। तो यहाँ नॉट ओनली लिखा है, यहाँ बट एवर लिखा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सी वाज पुअर एंड इलिटरेट, जो कह रहा है वो पुअर इलिटरेट थी, तो यहाँ बताना सी वाज नॉट ओनली पुअर बट आल्सो इलिटरेट, ठीक है, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन नहीं हो सकते हमारे, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। द एडजेक्टिव फॉर मैन, इसका मैनली सभी को पता होगा, इसमें कोई ज्यादा विशेष है नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए क्या करना है, ही वाज स्लीपिंग टू मीट हर, वह सो रहा था, तो जब वह सो रहा था तो जब ही तो बोलेंगे, जब मैं उससे मिलने, जब मैं उससे मिलने आई, ठीक है। तो देखिए वैन, जब मैं उससे मिलने गई, तो ही वाज स्लीपिंग, तो आना वैन ही है, ये तो कंफर्म हो गया, वेयर आई वैन तो बोलेंगे नहीं, तो वैन। अब देखिए यहाँ पर वही कंडीशन यहाँ फिर आ गई कि जो वैन का यूज आप कर रहे हो, या वेयर का यूज कर रहे हो, या वेर एवर का यूज कर रहे हो, या वैन का यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो आप, तो एक कंजंक्शन के रूप में कर रहे हो। अब कंजंक्शन के रूप में जब करोगे तो बात को सिंपल बनाएंगे, ठीक, और सिंपल बनाएंगे तो फिर आपको एक चीज और भी याद होनी चाहिए। मैंने अभी अभी बताया था आपको कि पास्ट फॉलोड बाय पास्ट, दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वॉज, ठीक, ये पास्ट हो गया, तो आगे भी पास्ट को ही फॉलो करेगा, तो ये तो हो नहीं सकता किसी कीमत पर, ठीक है। वेर एवर तो यूज नहीं करना हमें, हमें करना वे नहीं है। तो वैन आई वेंट, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था, वैन आई वेंट, जब मैं गया टू मीट हर, ठीक है बेटा, ओके। तो आंसर हो गया हमारा, ठीक, क्लियर हो गई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। ही वॉज स्लीपिंग वैन आई वेंट, जब मैं गया टू मीट
या हर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ही का जो है ना, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिम होगा, है ना बेटा, या यहाँ सी कर लीजिए, सी वाज स्लीपिंग व्हेन आई वेंट टू मीट, ठीक है बेटा, हर, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए भाई, इट इज टू कोल्ड टुडे, तो आपको करेक्ट एडवर्ब का यूज करना है, कि एडवर्ब सही लगाना है, है ना बेटा, तो इट इज टू अ कोल्ड टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, है ना, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, तो पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद, है ना बेटा, टुडे नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है यहाँ, और फिर हमें एडजेक्टिव लगाना है, एडजेक्टिव पहले एडवर्ब लगाना है, तो हाउ सो टू और एज, ये जो होते हैं, अगर इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है तो आर्टिकल का प्रयोग उनके बाद किया जाता है, तो इससे इसलिए ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप, अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये प्लीज आ रहा है, तो आपको पता है क्या पता है भैया, कि जब भी प्लीज दिया जाए उसको पैसिव बनाना हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देते हैं, तो फटाफट प्लीज को हटाकर हटा दीजिए, तो जैसे ही प्लीज को हटा डाला और यू आर रिक्वेस्टेड को लगा डाला तो लाइव बन गई झिंगा लाला। ठीक है, चलो भाई, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 16, आपको सीज दिया है, सीज का मतलब संघर्ष होता है, ओहो, इस सीज का मतलब क्या होता है, संघर्ष, सी ई ए एस ई, सीज, ओके, क्या मतलब होता है, संघर्ष करना, ये सीज दिया है, सीज, एस ई आई जेड, सीज, ठीक है, सीज हो गया, एक वर्ड आप ध्यान रखिए, एक होता है कॉन्फिस्केट, एक होता है इंपाउंड, आई एम पी ओ यू एन डी, इंपाउंड, एक होता है फोरक्लोज, ठीक है, कन्फिस्केट, इंपाउंड, फोरक्लोज या सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इनको सब कुछ फटाफट, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना, ठीक है, बिसीज माने घिरा हुआ, तो ये स्पेलिंग गलत है, बी ई एस आई ई होती है, आई ई की जगह आई कर देंगे, आई की जगह ई कर देंगे, ठीक है, बिसीज माने घिरा हुआ, ठीक, बिसीज विद सौरो, दुखों से घिरा हुआ, इस तरीके से, ठीक है, इसका मतलब रिक्वेस्ट होता है, इस बिसीज का मतलब रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट करना, उसको बिसीज कहते हैं। आगे देखिए, ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट होता है बी आर आई डबल एल आई ए एन टी, ब्रिलियंट, तो यहां पर ई की जगह हमें ए करना होगा, तब हमारा आंसर सही होगा। ये वैलियंट या गटसी या प्लकी, है ना, बहादुर, बोल्ड, उसे कहते हैं वैलियंट। ठीक है बेटा, तो यहां पर आंसर हमारा ये हो गया, दिस इज द आंसर, ओके, तो रॉन्गली स्पेल्ड पकड़ना था हमें, गलत कौन सा ये पकड़ना था। सेलियंट, तो सेलियंट फीचर कह सकते हो आप, मुख्य, कि इसका सेलियंट फीचर क्या है, ये टीवी हमने ली है, इसका सेलियंट फीचर क्या है सर, ये मुख्य फीचर क्या है, बोलो भैया मुख्य फीचर इसका ये है कि तुम ऐसे करोगे चालू हो जाएगी, तीन बार कर दो बंद हो जाएगी, ये क्या है इसका सेलियंट फीचर है। ठीक है, और रेडियंट कहते हैं चमकदार, ठीक है, उसे कहते हैं रेडियंट। चलिए आगे बढ़िए, द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ मेड, तो आपको मेड का मस्कुलाइन जेंडर पता करना है, तो हो जाएगा बैचलर, ठीक, मेड मैन नहीं होता बेटा, ठीक है, स्पिंस्टर कहते हैं ऐसी महिला को जो किसी धर्म वगैरह को लेकर, जैसे कि ओम शांति वगैरह हम लोग हो जाते हैं तो वहां शादी नहीं करते, ठीक है, ऐसी कंडीशन स्पिंस्टर कराती है। ठीक है बेटा, स्पिंस्टर का मतलब होता है एक ऐसी महिला जिसने किसी धर्म वगैरह को लेकर शादी नहीं की, उसके लिए हिंदी में वर्ड बोलेंगे क्या, साध्वी, साध्वी क्या बोलते हैं, साध्वी, बहुत सी साध्वी के नाम आप जानते भी हैं, ठीक है, राधे माँ, राधे माँ स्पिंस्टर है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, मिल्कमैन आपको पता ही, दूधिया कहते हैं, है ना बेटा, वो मिल्कमैन कहते हैं। ठीक, तो कमेंट सेक्शन में अपनी जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो समझने में दिक्कत आ रही, वो सारी बातें आप कमेंट सेक्शन दे दीजिए, और आपको क्या पढ़ना है और क्या बेहतर चाहते हैं मुझसे वो भी लिख दीजिए, बस मुझे एक चीज चाहिए और बस एक, कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों उसको शेयर करें, लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं, और कोशिश करें कि इसको प्रॉपर तरीके से करते रहें, रेगुलर रेगुलर आपको दो दो ढाई बजे के आसपास ये वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा, उसके निश्चिंत रहिए आप, अब कोई कटर नहीं होने वाला, लगातार मैं काम करूंगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है बेटा, बस आप मुझे एक काम करके दिखाइए, रिजल्ट देकर दिखाइए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए दो क्वेश्चन और रह गए, लूज ग्राउंड। ठीक है बेटा, अपना ग्राउंड खो देना, अपनी जमीन खो देना, अपना आधार खो देना, है ना, तो अपनी पोजीशन खो देना, ठीक, उसे कहते हैं लूज ग्राउंड, अपना आधार ही खो दिया उसने। ठीक, तो अब देखिए कौन सा आंसर बन पाएगा, तो बिकम लेस पावरफुल, बिकम लेस पॉपुलर,
ठीक है, लूज फाउंडेशन और बी विदाउट ए लीडर. तो कभी भी पेपर में याद रखिएगा, यूडियम्स होता है उसका सीधा सीधा आंसर नहीं होता, तो दैट उसका मतलब ही दे दिया जाए. जैसे लूज ग्राउंड तो लूज फाउंडेशन, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता. जो लोग ये सोच रहे हैं ये वाला आंसर, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. ये तो किसी कीमत पर भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो होएगा ही नहीं. तो विदाउट लीडर का कोई मतलब नहीं है. अब बचे दो, बिकम लेस पॉपुलर और लेस पावरफुल. ठीक है, तो पॉपुलर से सेंस ना लगाते हुए आप लगा जाएंगे पावरफुल की तरफ. ठीक है, मतलब जमीन अपने आधार खो देने का मतलब उसकी पावर कम होगी कहीं ना कहीं. ठीक है, फॉल बैक ऑन, तो यहाँ कहा अपोज समथिंग इंपॉर्टेंट, सफर एन इंजुरी ऑन द बैक एंड, तो ये तो हो गई नहीं. मैंने कहा सीधा सीधा कभी आंसर नहीं हो सकता, ईडियम का सीधा आंसर नहीं होता. ईडियम्स का मीनिंग ही होता है कि जो हिडन मीनिंग देता है उसे मीडियम कहते हैं. दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसकी हिडन मीनिंग होती है उसे ईडियम कहते हैं. और फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसकी कुछ मीनिंग होती है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, उसको हम फ्रेज कहते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेज. तो चलिए उसको हम चर्चा करेंगे. मैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी आपके लिए. ठीक है भाई, तो कमेंट सेक्शन में अपने पूछते रहिए, जो पूछना है जो बताना है, जैसा लग रहा है आपको वीडियो, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या कमी और है, क्या है और क्या बेहतर किया जाए, सारी बातें अपनी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे. क्योंकि जब आप बताएंगे, आप शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, तो मुझे और अच्छा लगेगा, मुझे पता पड़ेगा, मैं उसी हिसाब से और अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा. ठीक है, उसके बाद लिखा है टू फेल टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट इन टाइम, तो कह रहा है असफल हो जाना कुछ करने के लिए जो उस समय में आपको करना चाहिए. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो शेयर करिए. और जय हिंद दोस्तों.